व्हाट्सअप गाइस, दिस इज रेमो। आज की डेट में जापान पूरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। बल्कि जापान सिर्फ अपने इकोनॉमी के लिए नहीं जाना जाता, ये अपने डिसिप्लिन, ट्रस्ट और क्वालिटी के लिए भी जाना जाता है। आज की डेट में पूरी दुनिया के एंटरप्रेन्योर जापान के एंटरप्रेन्योर्स के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि जापान के एंटरप्रेन्योर्स क्वालिटी और लॉयल्टी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और इसी चीज की वजह से पूरी दुनिया आंख बंद करके इनके प्रोडक्ट खरीद लेती है, चाहे बात हो फिर सोनी की, होंडा की, कैनन की, सुजुकी, टोयोटा या पैनासोनिक की। पर जापान अब सिर्फ अपनी बड़ी कंपनी के लिए ही फेमस नहीं हो रहा, बल्कि इनके नए इनोवेटिव स्टार्टअप जो आ रहे हैं वो जापान में तो धूम मचाए रहे हैं, बल्कि अब पूरी दुनिया में बवाल मचाने को तैयार हैं। तो इसलिए आज मैं आपके लिए जापान के टॉप 5 यूनिक स्टार्टअप्स पकड़ के लेकर आऊं, जो बिल्कुल ही हटके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं जापान के मोस्ट पॉपुलर 5th नंबर के स्टार्टअप से। इस स्टार्टअप का नाम है रेडी फॉर। अच्छा, इंडिया में और पूरी दुनिया में हर दिन कई एंटरप्रेन्योर्स के माइंड में कई स्टार्टअप आइडियाज आते हैं, और हो सकता है कि उनमें से कई आइडिया बिलियन डॉलर आइडिया भी हो, और कई हद तक उन एंटरप्रेन्योर्स के पास अच्छी टीम भी होती है, अच्छा बिजनेस मॉडल भी होता है, अच्छे रिसोर्सेज भी होते हैं, और एक अलग लेवल का पोटेंशियल भी होता है। पर एक लेवल में जाके हर एंटरप्रेन्योर्स को एक दिक्कत आती है, जो कि है फंडिंग की। इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कई एंटरप्रेन्योर्स के पास अच्छी टीम थी, अच्छा बिजनेस मॉडल था, पर वो फिर भी रुक जाते हैं या फेल हो जाते हैं फंडिंग ना मिलने की वजह से, या कह सकते हैं कि राइट टाइप ऑफ इन्वेस्टर ना मिलने की वजह से। तो यहीं पर ये स्टार्टअप हेल्प में आता है। यहाँ पर ये नहीं कि ये खुद से फंडिंग देना शुरू कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने इस तरह का प्लेटफॉर्म बना दिया जहां पर इन्वेस्टर इजीली कनेक्ट कर सके या ढूंढ सके सही टाइप के एंटरप्रेन्योर्स को, और एंटरप्रेन्योर्स इजीली ढूंढ सके सही टाइप के इन्वेस्टर को। पहले इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम यूज होता था कि फंडिंग के लिए इन्वेस्टर ढूंढने जाए तो कहां ढूंढने जाए। शायद आपके माइंड में भी ये डाउट रहता होगा हमेशा से। जिनको यहाँ पर थोड़ा समझ में नहीं आया उनको इजी में बताऊं तो Sari.com आप जानते होंगे, जहां पर मेन मिलाप होता है, तो सेम वही प्लेटफॉर्म इन्होंने भी बना दिया है। बस यहां पर आपको इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर्स या कंपनीज वगैरह दिखेंगी। अगर थोड़ा सा और पास से देखें स्टार्टअप को, तो 2012 के आसपास ये स्टार्टअप फाउंड हुआ है। जापान में इनकी मेन मार्केट है, इंडिया में दूसरी कंट्रीज में इन्होंने एक्सपेंड नहीं करा अभी तक। जापान में 2016 से बहुत ज्यादा स्टार्टअप कल्चर बढ़ा है, तो इसकी वजह से ये भी रिसेंट ईयर्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए हैं। पर यहाँ पर इन्होंने सर्विस देना बहुत कम कर दिया अब, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्रॉड शुरू होने लग गए थे इन्वेस्टर के साथ। क्योंकि होता क्या है, ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स इसलिए स्टार्टअप या बिजनेस करते हैं ताकि फंडिंग मिल जाए फटाफट। और अगर आज उनकी बिजनेस या स्टार्टअप की वैल्यू 1,00,000 रुपए है, तो फंडिंग मिलते ही उस बिजनेस या स्टार्टअप की वैल्यू 1,00,000 या 5,00,000 पहुंच जाए, और फटाफट वो अपने स्टार्टअप या बिजनेस से एग्जिट ले ले। इंडिया में बहुत ज्यादा फ्रॉड हुए इस तरह के, तो यहाँ पर इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा घाटा हो जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैं एक केस स्टडी बना दूंगा इसके ऊपर, कि कैसे एंटरप्रेन्योर्स अपनी खुद की कंपनी के साथ या इन्वेस्टर के साथ फ्रॉड करते हैं। अच्छा, पर यहाँ पर इस स्टार्टअप ने क्राउड फंडिंग का कंसेप्ट भी अपने प्लेटफॉर्म में इंट्रोड्यूस कर दिए, जहाँ पर कंपनीज या स्टार्टअप, यहाँ तक कि छोटे बिजनेस वाले भी अपने लिए फंडिंग रेस कर सकते हैं नॉर्मल पब्लिक से। यहाँ पर इसको शेयर मार्केट में समझ लेना, यहाँ पर छोटे से छोटा बिजनेस भी हो या एनजीओ वगैरह तक भी फंडिंग उठा सकते हैं कॉमन पब्लिक से। अच्छा, बहुत तेजी से $1 बिलियन की फंडिंग इन्हें मिल चुकी है अपने स्टार्टअप के लिए। ऐसा स्टार्टअप हमेशा एवरग्रीन रहता है, क्योंकि जब तक स्टार्टअप कल्चर रहेगा और जितना ज्यादा ये बढ़ेगा उतनी ज्यादा स्टार्टअप की डिमांड और ऊपर होती जाएगी। तो अभी हम बढ़ते हैं फटाफट अपने जापान के मोस्ट पॉपुलर 4th नंबर के स्टार्टअप की तरफ। इस स्टार्टअप का नाम है OpenLogi। अच्छा, मैंने कई वीडियो में बताया कि बड़े ई कॉमर्स कंपनीज को अपने वेयरहाउस को मेंटेन करने के लिए या अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए वो थर्ड पार्टी कंपनीज को हायर कर लेती है, यह कह सकते हैं कि आउटसोर्स कर देती है अपने काम को। पर यहाँ पर एक और अपॉर्चुनिटी निकली है। अच्छा, बड़े ई कॉमर्स प्लेयर जैसे Amazon, Flipkart वगैरह के काम तो छोटे डिलीवरी कंपनी संभालती है, जैसे ई-कार्ट डिलीवरी जैसी। पर जो छोटे ई कॉमर्स प्लेयर्स होते हैं, जिसे हम SMEs कहते हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उन्हें कोई ऐसा नहीं मिलता जो उनके प्रोडक्ट को डिलीवर कर दे, उनके लिए वेयरहाउस को मेंटेन कर दे। अच्छा, अगर आज की डेट में कोई बंदा या छोटे लेवल में जो बिजनेस करते हैं वो अपनी खुद के ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, चाहे वो कुछ भी प्रोडक्ट की हो, तो यहाँ पर वो खुद तो डिलीवर करने जाएंगे नहीं, जैसे ज्यादा वो अपने एरिया को कवर कर सकते हैं, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। और अगर वो बड़ी लॉजिस्टिक कंपनीज के पास जाते हैं तो उनकी डिमांड होती है कि आपके रोज ही कम से कम 400 से 1000 के बीच में प्रोडक्ट ऑर्डर होने चाहिए, तब हम आपको सर्विस देंगे। तो यही प्रॉब्लम जापान में भी राइज हुई, और बहुत अच्छे से ये स्टार्टअप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पा रहा है। अगर थोड़ा सा और पास से देखें इस स्टार्टअप को, तो जापान का ये स्टार्टअप है, 2013 में आसपास ये फाउंड हुआ है। $500 मिलियन के आसपास इन्होंने फंडिंग मिल चुकी है इनको। याहू की तरफ से इनको 2018 का बेस्ट स्टोर का अवार्ड भी मिला है। शुरू इन्होंने लॉजिस्टिक कंपनी से किया था, पर आज की डेट में छोटे SMEs के वेयरहाउस भी संभालते हैं और उनको डिलीवरी की फैसिलिटी भी देते हैं। प्रोडक्ट चाहे 1 हो या 30 हो, या 1 किलो का या 20 किलो का हो, सभी तरीके के प्रोडक्ट डिलीवरी देते हैं और फैसिलिटी भी देते हैं। और मार्केट में अलग तरीके से देखने के लिए ये सर्विस सिर्फ छोटे और मीडियम साइज कंपनीज को ही देते हैं। अच्छा, इनकी हिस्ट्री बहुत अमेजिंग रही है। इन्होंने देसी जुगाड़ करके पूरा अंपायर खड़ा कर दिया। शुरुआती टाइम में इन्होंने छोटे 10 से 15 ई कॉमर्स वेबसाइट को पकड़ा और उनकी वेबसाइट की डिलीवरी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। पर पैसे थे नहीं इनके पास, तो इन्होंने बड़े लॉजिस्टिक कंपनीज के साथ टैप करा और उनके थ्रू इन्होंने छोटे ई कॉमर्स वेबसाइट की बल्क में डिलीवरी करवाई। तो एक तरह से इन्होंने बड़े लॉजिस्टिक कंपनीज की डिमांड भी पूरी हो गई। यहाँ पर छोटे ई कॉमर्स कंपनीज के प्रोडक्ट भी फास्ट डिलीवर हो जाते थे और इनको अपना कमीशन मिल जा रहा था, और ऐसे करके इन्होंने पूरा $multi-million का स्टार्टअप खड़ा कर दिया। तो इसलिए इस स्टार्टअप को मैंने इस लिस्ट में रखा है, क्योंकि इन्होंने ना के बराबर पैसों में इतना बड़ा स्टार्टअप खड़ा कर दिया है। तो जो भी इंटरेस्टेड है इस इंडस्ट्री में या इस स्टार्टअप में, तो चेकआउट मारो इनकी वेबसाइट में, और जो और अमेजिंग स्टार्टअप देखना चाहता है वो मेरे साथ वीडियो में और आगे चलो। तो अभी 3 और स्टार्टअप बचे हुए हैं हमारे, फटाफट बढ़ते अपने 3rd नंबर के स्टार्टअप की तरफ। इस स्टार्टअप का नाम है स्काई ड्राइव।
जहां अमेरिका में टेस्ला एकदम सुपर डुपर हिट निकल गया, वहीं जापान भी पीछे कहां रहने वाला है। जापान में भी एक स्टार्टअप आ गया स्काई ड्राइव नाम से, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक कार तो है ही टेस्ला के जैसे, पर साथ में ये फ्लाइंग मशीन भी है। जी हाँ, इसे हम फ्लाइंग कार भी कह सकते हैं। इनकी बल्कि टैगलाइन भी यही है, स्काई इज अवर न्यू रोड। और जापान की मार्केट में भी उतर चुके हैं अभी तक, और इन्होंने पूरा स्काई रोड मैप भी बना दिया है गवर्नमेंट के साथ मिलकर और बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर। तो अब वो टाइम शायद दूर नहीं जब आसमान में व्हीकल्स आपको इधर से उधर जाते हुए दिखाई देंगी। अगर थोड़ा सा और करीब से देखें स्टार्टअप को, तो 2018 में स्टार्टअप फाउंड हुआ है। अच्छा, इनके दो प्रोडक्ट अवेलेबल है अभी तक, जिसमें इनकी पहली फ्लाइंग मशीन है, इसका नाम इन्होंने एयर मोबिलिटी रखा है, और दूसरा इनका कार्गो ड्रोन है, जो कि हेल्प करता है प्रोडक्ट की डिलीवरी करने में ड्रोन के थ्रू। आपको बता दूं, जापान में मोस्टली इनके ड्रोन यूज होते हैं, चाहे फिर वो किसी भी सर्विस के लिए यूज हो। अभी तक $2 बिलियन के आसपास इन्होंने फंडिंग भी मिल चुकी है इनको, तो 2-3 सालों में इन्होंने बहुत ज्यादा सक्सेस की ऊंचाइयां भी छू ली है। अच्छा, अभी जो फ्लाइंग कार प्रोवाइड करवा रहे हैं उसमें सिर्फ एक सीट अवेलेबल है, पर 2023 तक ये कह रहे हैं कि हम इसमें 3-4 सीट और अवेलेबल कर देंगे। और जो इनके अभी मेन रिवाइवल कंपनी देखी जा रही है वो यूबर एयर है। यूबर भी फ्लाइंग कार बनाने की रेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो देखना ये कौन इस मार्केट का लीडर बनता है आगे जाके। तो अभी हम बढ़ते हैं फटाफट अपने जापान के सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्टार्टअप की तरफ। इस स्टार्टअप का नाम है न्यू रोप। ये एक फैशन या स्टार्टअप है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हम सोशल मीडिया में स्क्रॉल कर रहे होते हैं और हमें कुछ फैशन प्रोडक्ट अच्छे लग जाते हैं, या किसी सेलिब्रिटी के कपड़े भी अच्छे लग जाते हैं। अब हमें लेने तो वही सेम कपड़े हैं जो हमने इंस्टा में या एफबी में देखे थे, पर हम उसे ढूंढ नहीं पाते अमेजोन में या फ्लिपकार्ट में या पूरे इंटरनेट में। तो यहीं पर यह स्टार्टअप न्यू रोप हेल्प में आता है। बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। बस जो भी आपको फैशन प्रोडक्ट अच्छे लगे, बस आपको उस प्रोडक्ट की मे बी शर्ट भी हो सकती है या हील भी हो सकती है, वॉच भी या कुछ भी हो सकता है, बस आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है और इनके ऐप में अपलोड कर देना है। इनका AI पूरे इंटरनेट में वही सेम कलर सेम डिजाइन सेम फैशन ढूंढ के आपको दिखा देगा जहां भी वो इंटरनेट में अवेलेबल होगा। अगर थोड़ा सा और करीब से देखें स्टार्टअप को, जापान में 2014 में स्टार्टअप फाउंड हुआ है। जापान के मोस्ट पॉपुलर स्टार्टअप्स में इनका नाम आता है। $100 मिलियन के आसपास इन्होंने फंडिंग भी उठा ली अभी तक। सब कुछ फ्री सर्विस है इनकी, पर आपके माइंड में यहाँ पर डाउट भी आना चाहिए कि फिर ये पैसे कैसे कमाते हैं या क्या बिजनेस मॉडल है इनका। तो जब कस्टमर या यूजर कोई भी प्रोडक्ट सर्च करके किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से वो प्रोडक्ट खरीदता है, तो वहाँ एफिलिएटेड मार्केटिंग के थ्रू इनको कमीशन मिल जाता है इनका अपना, कि भाई हम आपकी वेबसाइट से कस्टमर को शॉपिंग करवा रहे हैं, तो कस्टमर जितने की भी शॉपिंग करेगा उसका 10-20% कमीशन हमको देना। अगर इनकी सर्विस की बात करें तो जापान के अलावा चाइना में भी और साउथ कोरिया में भी इनकी सर्विस अवेलेबल है। इंडिया में ऐसा कुछ कंसेप्ट आया नहीं है अभी तक आई थिंक, पर अभी देखना ही है कि कब पूरे एशियन मार्केट ये कवर करते हैं। तो अभी बढ़ते अपने जापान के सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर स्टार्टअप की तरफ। इस स्टार्टअप का नाम है किच हाइक। ये थोड़ा सा यूनिक स्टार्टअप भी है और थोड़ा सा लो इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप आइडिया भी है। अच्छा, आप में से जो लोग बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करते होंगे इंडिया के दूसरे स्टेट में या इंडिया के बाहर भी, तो ज्यादातर हर ट्रैवलर को एक प्रॉब्लम देखने को बहुत ज्यादा मिलती है कि वो घर के खाने को बहुत ज्यादा मिस करता है और उसको मजबूरी में या तो फास्ट फूड खाना पड़ता है या कभी कभार उसको अपने मन पसंदीदा खाना भी नहीं मिल पाता। तो यहीं पर ये जापान का स्टार्टअप किच हाइक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया है। तो इसके लिए इन्होंने लोकल एरिया के घरों को ट्रैवलर के साथ जोड़ दिया है। इजी तरीके में बताऊं तो अगर किसी को होटल रूम बुक करना पसंद नहीं है तो वो एयरबीएनबी को चूज करता है, जहां पर आप अपने घर का रूम किसी बाहर वाले को रेंट पे दे सकते हो। तो सेम वैसे ही अगर किसी को होटल का खाना पसंद नहीं है तो इन्होंने लोकल एरिया के घरों को ट्रैवलर के साथ जोड़ दिया है कि अगर किसी को होममेड खाना चाहिए तो वो इनके ऐप से ऑर्डर कर सकता है या खुद भी वहां जाके ले सकता है। अगर थोड़ा सा और करीब से देखें स्टार्टअप को, तो 2015 के आसपास ये स्टार्टअप फाउंड हुआ है। अभी तक $100 मिलियन के आसपास इन्होंने फंडिंग भी उठा ली है। अच्छा, शुरुआत इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से करी। इन्होंने शुरुआती टाइम में अपनी सर्विस हिल स्टेशन एरिया जैसे जगह में दी, या जिसे हम टूरिस्ट प्लेस भी कह सकते हैं। इसकी वजह से बहुत तेजी से पॉपुलर हो गए थे बहुत कम टाइम में। फिर एक साल के अंदर इन्होंने थाईलैंड और मलेशिया जैसी जगहों में भी एक्सपेंड कर दिया, जहां पर बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, और इस स्ट्रेटजी की वजह से ये $1 बिलियन क्लब के अंदर भी आ गए। अब आज की डेट में ये जापान इन्होंने तो कवर कर ही लिया है, साथ में चाइना थाईलैंड मलेशिया और साउथ कोरिया जैसे देश भी इन्होंने कवर कर लिए हैं, और बहुत जल्दी ये इंडिया में भी एक्सपेंड करने वाले हैं। तो अमेजिंग बिजनेस मॉडल है, स्टार्टअप वालों के लिए तो फायदा ही हो रहा है। घर से जो बना के खिला रहे हैं उनके पास भी एक्स्ट्रा ऑर्डर आते रहते हैं, तो वो भी घर बैठे बैठे कमा रहे हैं। तो आई होप कि आपको भी ये अच्छा लगा हो स्टार्टअप। तो यही थे जापान के टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर स्टार्टअप्स, जो कि मुझे लगा आपके साथ शेयर करने चाहिए। और आपको कैसे लगे ये स्टार्टअप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।